जमीन हो, हवा हो या पानी, प्रकृति अपना कहर हमेशा दिखाती है। समुद्र के सीने पर सवार ये विशालकाय जहाज भी कभी न कभी इसी प्रकृति का शिकार होते हैं। शहर बराबर इन विशालकाय जहाजों को देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि ये समुद्र से लोहा लेने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन समुद्र जब अपना विकराल रूप लेता है तो वो इनको कहीं का नहीं छोड़ता। आज हम दुनिया के कुछ ऐसे विशालकाय जहाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी रहस्यमय तरीके से समुद्र का भोजन बन गए और दुनिया से अलग थलग आज भी समुद्र में लवारिस कहीं पड़े हुए हैं। USS ऑरस कैने। वैसे तो इसे माइटी ओ के नाम से भी जाना जाता है। ये SX क्लास का आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे US नेवी द्वारा बनाया गया था और दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ये बनकर तैयार भी हो गया था। इसे 1950 में सेना में शामिल किया गया था। 911 फीट लंबा और 33 नॉट प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाला ये जंगी जहाज अपने अंदर एक समय में 2600 कर्मचारी और 103 लड़ाकू जहाजों को समेट के रख सकता था। कोरियन वॉर में इस जहाज की खूब वाहवाही हुई थी। 26 सालों तक अपनी सेवा देने के बाद 1976 में इसे सेना से रिटायर कर दिया गया। पहले तो इसे कबाड़ में बेच दिया गया, पहले तो इसे किसी ने छुआ तक नहीं, इसलिए 1997 में अमेरिकी नौसेना ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया और 2004 में नौसेना ने इसे मेक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के तट पर डुबाने का फैसला लिया। नौसेना ने जहाज में से सारे जहरीले केमिकल निकाल दिया और सारे एनवायरमेंट रिसर्च के बाद साल 2006 में इसे फ्लोरिडा के तट पर डुबा दिया गया। इसे डुबाने का सबसे बड़ा मकसद था दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान बनाना, जिसे आज सब लोग द ग्रेट कैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ये चट्टान आज भी 145 फीट ऊंची है और इसे देखने के लिए दूर दूर से ये डाइवर्स आते हैं और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन रेग्ड साइट्स में से एक है। द टाइम्स ऑफ लंदन ने ऑरस कैने के मलबे को दुनिया के सबसे बड़े 10 मलबे डाइविंग साइटों में से एक के रूप में दर्ज किया है। ओमियो 1858 न्यू कासल इंग्लैंड में 605 टन वजनी ये जहाज लोहे की विशालकाय मशीन थी। इसे केवल एक बार कुछ बिजनेस के काम से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। इसके बाद इसे हमेशा समुद्र में तारों को बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि आज भी समुद्र में बिछी लंबी तारों में से अधिकतर तारे इसी जहाज के द्वारा बिछाई गई है। ये तारों को ढोने के अलावा लोगों को भी इधर उधर ले जा सकता था। अपने पूरे जीवन काल में इस जहाज ने पोर्ट फिलिप में एक भयंकर हादसे को भी झेला था जब इसने सीधे जाकर एक लाइट हाउस में टक्कर मारी। 1905 में हुए इस एक हादसे ने जिस जहाज का जीवन बर्बाद कर दिया। इस टक्कर की वजह से वो वही डूबने लगी। इसके डूबने के बाद जल्द ही इसके आसपास मिट्टी जमा हो गई। इस वजह से इसे फिर से समुद्र से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन सा हो गया था और धीरे धीरे ये जहाज मूंगा चट्टानों का रूप लेने लगा। इसके साथ ही ये मछली और समुद्री जीवों का घर बन गया। आज ये जहाज बीच से कुछ 130 फीट दूर कुछ इस हालत में पड़ा हुआ है। इस एरिया में पानी इतना कम है कि आज भी जहाज का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है। बीच के काफी नजदीक होने की वजह से यहाँ हमेशा गोताखोरों की भीड़ लगी रहती है। USS एरिजोना। 1910 में बनाया गया USS एरिजोना एक लड़ाकू जहाज था जिसका इस्तेमाल 1916 में शुरू किया गया। वैसे तो इसने पहले विश्व युद्ध में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस जहाज को उस समय उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता था। वैसे बहुत कम वक्त के लिए 1919 में इसे ग्रीको तुर्की युद्ध में भी यूज किया गया। इसके बाद इसे पैसिफिक ओशियन में ड्यूटी के लिए उतारा गया जहां इसने अपनी पूरी जिंदगी बताई। 21 सालों के बाद 1940 में जापान की तरफ से पर्ल हार्बर हमले में इस जहाज ने अपनी अहम भूमिका निभाई। 7 दिसंबर 1941 में जापानी सेना जब हवाई तक पहुंची तो उसने USS एरिजोना को वहां देखा। देखते ही देखते जापानी सेना ने इस पर हवाई हमले शुरू कर दिए। हमले में एक बम जहाज के इंजन में जाकर फटा और इस वजह से जहाज पूरे तरीके से डैमेज हो गया। इस हमले में इस जहाज पर सवार 1177 लोगों की जान चली गई और ये जहाज वही हवाई के पर्ल हार्बर में डूब गया। तब से लेकर आज तक वो जहाज वही है। इतने सारे लोगों का एक साथ यूं मरना और इतना नुकसान होने की वजह से इस जगह को आज भी पूजा जाता है। अमेरिका ने इस जगह पर एक समाधि स्थल बनाया है जहां लोग आते हैं और उन लोगों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। MV Panayotis। 1937 स्कॉटलैंड में बना MV Panayotis ये कार्गो जहाज था। यही वो जहाज था जो पूरे यूरोप में घूमा और अलग अलग नामों से जाना गया। लेकिन आज जहां इस जहाज का कंकाल पड़ा हुआ है वो भी एक रहस्य बना हुआ है। सबसे पहले बता दें कि ये रैक दुनिया में सबसे फेमस रैक में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं। रिसर्च बताती है कि एक बार ये जहाज स्मगलर के हाथ लग गया था जिसके बाद इसे इटली में स्मगलिंग के लिए काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया। इसी जहाज से दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से सिगरेट पहुंचाई गई। 1980 में MVP Panagiotis प्रतिबंधित सिगरेट के माल के साथ तुर्की में जा रहा था। तब रास्ते में इसे ग्रीक नौसेना ने देखा और इसका पीछा किया। तब ये एक तूफान में फंसा हुआ था, लेकिन इसी तूफान के कारण यह जहाज समुद्र से बाहर आ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि जब इसे जमीन पर बाहर देखा गया तब भी इसमें कई सौ टन सिगरेट की डिब्बियां थी। आज भी ये जहाज एगियोस जॉर्जियोस के किनारे खड़ा है। हर साल इसे हजारों लोग देखने आते हैं। एडवर्ड बोहलिन। जहाँ कुछ जहाज आज भी समुद्र में बड़े बड़े मूंगा चट्टान बन चुके हैं और कुछ अभी बन रहे हैं, वहीं कुछ जहाज पानी में नहीं बल्कि कहीं और ही अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। उनमें से
से एक है एडवर्ड बोहलन। ये जहाज पानी में नहीं बल्कि रेत में डूब गया। नामीबिया में रेगिस्तान के बीच पड़ा हुआ है ये रेगिस्तान अटलांटिक समुद्र से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। 2272 टन वजनी इस जहाज को 1890 में बनाया गया था और 1891 में इसे काम पर रखा गया था। पहले तो बहुत वक्त तक ये जहाज लोगों को और सामान को अफ्रीका के अलग अलग बंदरगाहों तक लेकर जाता था। सिर्फ 310 फीट लंबा ये जहाज 10.5 नॉट की रफ्तार से चलता था। इसे जिस रूट पर चलाया जाता था वो रूट आज भी बड़े बड़े चट्टानों के लिए बदनाम है। फिर वक्त आया 5 सितंबर 1909 का। इस जहाज का अंत समय आ गया था। इसे भी उसी घटना का सामना करना पड़ा जिसे हर एक जहाज कभी ना कभी करता है। बोहलन भी एक समुद्री तूफान में फंसकर किनारे से बाहर आ गया। उस समय ये रेगिस्तान अभी बनना ही शुरू हुआ था। ये रेगिस्तान में समुद्र तट से 100 मीटर की दूरी पर रेत के किनारे पर फंस गया। एडवर्ड बोहलन पर सवार कुछ कार्गो और सामान को उतारने के बाद पहले तो इसे निकालने की कोशिश की गई। एक रिपोर्टों के अनुसार अगले 10 दिनों में एडवर्ड बोहलन के आसपास इतनी रेत जम गई कि इसे निकालना क्या यहाँ चलाना भी मुश्किल था। और धीरे धीरे प्रकृति ने इसे अपने अंदर समा लिया और ये जमीन दोज हो गया। आज भी ये जहाज अपने अंत होने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।